हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रोनित एकेडमी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था, V इक्वल टू I इंटू R। उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस करंट, ये क्या है रेजिस्टेंस, बराबर। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है करंट, और ये क्या है रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस। इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है आज का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस तरह से सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं वो सारी चीज़ें आज सीखेंगे। दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल, ठीक है। उसके पहले हम लोग रेजिस्टेंस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, आपने रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखा था, रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट, क्या डेफिनेशन था, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। मीन्स कोई भी मटेरियल में फ्लो हो रहा है, अगर मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसे क्या करेगा, अपोज करेगा, और ज़्यादा एकदम ज़्यादा ही रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। अभी देखते हैं उसे। हम एक मेटल का वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये इसका लेंथ है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। चौक का ये पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है लेंथ, इसी वायर को हम थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं फिर लंबा हो जाएगा। अब देखोगे आप, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट होने के लिए ज़्यादा स्पेस था, इधर कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स कम मूवमेंट करेंगे मतलब करंट कम फ्लो होगा। अगर करंट कम फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, हाई, क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा स्पेस था इसलिए लार्ज करंट फ्लो हो रहा था, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। यहाँ कम स्पेस था तो कम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, कम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे मतलब करंट कम फ्लो हो रहा था, करंट कम फ्लो हो रहा था मतलब रेजिस्टेंस हाई। तो मैंने लेंथ देखो यहाँ बढ़ाया, जब मैंने लेंथ इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करके देखते हैं तब क्या होता है। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, मैं तो बोलूँ सर सेम बनाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया, तो आप देखोगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव होने के लिए स्पेस ज़्यादा हो गई, तो लार्ज करंट कैन फ्लो, लार्ज करंट फ्लो हो सकता है। अब लार्ज करंट फ्लो हो सकता है मतलब रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम। इधर देखा हमने लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, इधर देखा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम। तो इससे हमको एक फॉर्मूला मिलता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एरिया। सर कैसे, अभी देखा हमने जब मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया था तो क्या हुआ था, सॉरी लेंथ को बढ़ाया था तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, जब हमने लेंथ को इंक्रीज किया था तो रेजिस्टेंस बढ़ा था, और जब एरिया को इंक्रीज किया था तो
रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ था। अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं ताकि आपको पता चले, इसको बढ़ाया तो ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर अब ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या है, ये रू है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, ध्यान से रिजल्ट फॉर्मूला, रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। मान लो मैंने एक मेटल वायर लिया, उसका लेंथ जो है यूनिट लेंथ, क्या यूनिट, यूनिट लेंथ दिख रहा है ना, यूनिट लेंथ, ठीक। और ये क्रॉस सेक्शनल भी यूनिट क्रॉस सेक्शनल, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये जो मटेरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसे बोलेंगे रेजिस्टिविटी, उसे बोलेंगे रेजिस्टिविटी। उसका लेंथ यूनिट लेंथ होना चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शनल यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी आपने देखा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, बराबर, ये रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी यहीं से डिराइव कर लो, रेजिस्टिविटी इक्वल टू, अभी देखिए डिवाइड हो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, आर इंटू ए, आर इंटू ए डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई रो के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक, ये फार्मूला है। अब रेजिस्टिविटी का पहले यूनिट निकाल लेते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस का क्या है, ओम है। एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या है, मीटर। और रेजिस्टेंस कर देते हैं, यहाँ से एक मीटर, देखिए ध्यान से, मीटर स्क्वायर है, ऊपर से एक मीटर गया, नीचे से मीटर गया, तो रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, ओम मीटर, बराबर, या ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर, यहाँ पुट अप करो, ओम मीटर। लेंथ का कितना है, मीटर। एरिया का कितना है, मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसिल, 2 m है, नीचे भी 2 m। तो रेजिस्टेंस आर का यूनिट क्या हो गया, रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये दोनों ध्यान से आप नोट कर लो, बहुत काम का चीज़ है। अभी रेजिस्टिविटी का यूनिट पूछ लेगा या रेजिस्टेंस का यूनिट पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप ध्यान देना इसके बारे में। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस। पहला देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज कब होता है, देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज
रेजिस्टेंस सीरीज। दो रेजिस्टेंस बना रहा हूँ मैं, आप कितने भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आर वन पहला रेजिस्टेंस, ये मेरा आर टू। ठीक है, और भी लगा सकते हैं ऐसे तीन चार। तो आप ये सीरीज में कनेक्ट है कि नहीं कैसे पता करें? कुछ लोग हैं इधर डायरेक्ट बोल देते हैं एक के बाद एक लगाए तो सीरीज में, ऐसा नहीं होता। आपको करंट का मदद लेना पड़ेगा चेक करने के लिए कि सीरीज में है कि पैरेलल में। एक करंट यहाँ से फ्लो कराते हैं, ठीक है। अब ये करंट देखिए, ये रेजिस्टेंस में से भी सेम फ्लो हो रहा है, दूसरे रेजिस्टेंस में भी सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। अगर दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। अगर एक और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होता उसमें से भी सेम करंट फ्लो होता तो भी इनके साथ सीरीज में होते हैं। एक और रेजिस्टेंस होता उसके अंदर भी सेम करंट फ्लो होता तो भी सीरीज में कनेक्टेड होता है। ऐसे कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों और सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाले, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाले वो देखते हैं। उसका फॉर्मूला आर टी, ठीक। चलो ले लेते, ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का ले लेते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला है आर वन प्लस आर टू। ठीक, आर वन प्लस आर टू, आर वन का वैल्यू क्या है 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 4 ओम सर। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है 4। अब बोलेंगे कि इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो, तो मैं दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करके एक रेजिस्टेंस लगा के 4 ओम से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक, ठीक है। अब हमें पता चल गया रेजिस्टेंस कब सीरीज में कनेक्ट रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक डीसी सर्किट सॉल्व करेंगे। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये आर वन ये पहला, ये आर टू ये दूसरा। अब हमें पता करना है कि ये करंट कितना है, बराबर। लास्ट वीडियो में मैंने एक रेजिस्टर लेके सॉल्व किया था ओम्स लॉ यूज़ करके। अब देखिए दो रेजिस्टेंस आ गए और मेरे पास फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल टू आई इंटू आर। क्या फॉर्मूला है, वी इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, वी पता है, चलो 10 वोल्ट ले लेते हमने। ठीक, 10 वोल्ट ले लिया, वी पता है मेरे को 10 वोल्ट, आई निकालना है मुझे आर कितना है। अब इधर तो दो दो आर है, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। कौन सा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ली, पहले चेक करना पड़ेगा ये सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। देखते हैं दोनों में से करंट कितना फ्लो होता है, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में। ये करंट यहाँ तक आया, ये इसके अंदर फ्लो हुआ, यहाँ से आया। फिर देखो दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या था टोटल रेजिस्टेंस का, आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे सबको ऐड कर दो। यहाँ दो ही हैं, इनके वैल्यू ले लेते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ 3 और इसका ले लेता हूँ 1। ठीक, 3 हो 1, ठीक। एक हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक, कितना हो गया 4 ओम। अब तो मैं रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह पे मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। ये हो जाएगा 10 वोल्ट इक्वल टू करंट इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4, आई इक्वल टू 10 बाई 4 मल्टीप्लाई डिवाइड
टू फाइव ज़ा टू टू ज़ा, तो क्या हो जाएगा फाइव बाई टू इक्वल टू करंट फ्रॉम रियल एम्पियर। अगर इसे डिवाइड करोगे तो आपको आई मिल जाएगा आई इक्वल टू 2.5 एम्पियर। देखा आपने किस तरह करंट कैलकुलेट कर लिया ओम्स लॉ इस्तेमाल करके और सीरीज का कंसेप्ट यूज करके। ठीक है, जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं तो उनके थ्रू जो करंट पास होता है वो सेम होता है, उनके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितने होते हैं वो पता करते हैं। ये मैंने बैटरी लगाया, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक दो रेजिस्टेंस लिए। ये आर वन है, इसका वैल्यू ले लेता हूँ 3 ओम, और ये आर टू है, इसका वैल्यू ले लेता हूँ 1 ओम। ठीक है, दो रेजिस्टेंस ले लिए। करंट कितना फ्लो हो रहा था सर्किट में अभी कैलकुलेट किया था हमने 2.5 एम्पीयर, 3 2 3 + 1 4, ये 10 वोल्ट था, 10 / 4 2.5 एम्पीयर करंट इसमें फ्लो हो रहा है बराबर। अब ये देखिए ये बैटरी ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसी की वजह से तो करंट फ्लो हो रहा है ना सर्किट में, तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है सर, ये एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके जहाँ से करंट निकलता है, जहाँ से करंट निकल रहा है वो साइड कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, और जो एनर्जी रिसीव कर रहा है जहाँ से करंट एंटर करता है वहाँ पॉजिटिव, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ से करंट निकलता है आउट होता है वहाँ पॉजिटिव, और जो एनर्जी रिसीव कर रहा है जहाँ से करंट एंटर होता है, जहाँ से करंट एंटर होता है वो साइड पॉजिटिव। ये साइन ध्यान देना है, कहाँ साइन डालना है, जहाँ से करंट एंटर होता है यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ये एनर्जी रिसीव कर रहा है और ये डिलीवर कर रहा है दे रहा है, तो जहाँ से करंट आउट हो रहा है वहाँ पॉजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, अक्रॉस मीन्स ये देखिए यहाँ इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये वी टू, ठीक है वी वन निकालते हैं कितना होगा, वी वन इक्वल टू, ठीक है रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना है आई, करंट तो से आर वन, ठीक वी वन कितना है मालूम नहीं सर, आई कितना है 2.5, आर कितना है 3, ठीक इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमें कितना हो जाएगा, ये 2.5 × 3 कितना हो जाएगा, 3 5 15, 1 3 2 6, 6 1 7, ठीक 7.5 कितना मिलेगा 7.5। ठीक अब वी टू निकाल लेते हैं, वी टू यहाँ निकाल रहा हूँ ध्यान से देखिए, वी टू के अंदर करंट कौन सा आई, सेम करंट, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, वी टू आई कितना है सर 2.5 दिख रहा होगा आपको सबसे 2.5, और रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस कितना 1, हाँ वी टू कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है ये देखिए ये 2.5 है, ये 7.5 है, आपने सप्लाई कितना दिया था 10 वोल्ट दिया था, तो आप देखोगे जितना सप्लाई दिया था आपने उतना ही लॉस हुआ है, इसके अक्रॉस कितना है 7.5 और इसके अक्रॉस कितना है 2.5, मतलब V कितना था 10 वोल्ट और V1 + V2, V1 कितना है, कितना है V1 7.5 प्लस V2 कितना है 2.5, कितना 2.5 देखोगे आप मैच, ठीक है जितना सप्लाई किया था उतना लॉस होगा। ठीक है, ठीक है आप जाओ, अभी आपने देखा कि V1 कितना था V2 कितना था बराबर, अब देखो वोल्टेज देखो ध्यान से, दोनों वोल्टेज देखो, ठीक है दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो करंट क्या है सेम है, वोल्टेजेस क्या है डिफरेंट है, तो अगर सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे तब आपको ध्यान देना है कि करंट जो रहता है वो सारे रेजिस्टेंस में सेम रहते हैं और वोल्टेजेस
डिफरेंट रहती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्या करंट सेम और वोल्टेजेस डिफरेंट। अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो वोल्टेजेस भी सेम आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट हो, लेकिन वोल्टेजेस डिफरेंट रहते हैं। अगर रेजिस्टेंस सेम होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू, तब जाके वोल्टेज भी सेम हो जाएगा। अगर सेम नहीं रहेगा तो डिफरेंट आएगा। अब हम देखने वाले रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में कब कब कनेक्ट रहते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, चलो सर दो रेजिस्टेंस ले लो, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ये इसका अपर पार्ट यहाँ कनेक्टेड है और लोअर पार्ट इधर कनेक्टेड दोनों के सेम, तो पैरेलल है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ भी हम किसका मदद लेंगे, करंट का। ये आई करंट है, यहाँ तक आइए, देखिए यहाँ से क्या हुआ, डिवाइड हुआ करंट, एक करंट यहाँ गया, एक करंट यहाँ है, एक करंट यहाँ गया, इसको नाम देते थे हम लोग आई टू, इसको नाम देते थे आई वन। दो करंट गया, एक करंट आया, ये यहाँ से डिवाइड हो गया, एक करंट गया आई टू, एक आई वन। तो आप देखो कि दोनों रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट पास हो रहा, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में करंट है, ये मान लेना। सीरीज में क्या देखा था, सेम करंट फ्लो हो रहा था, पैरेलल में डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है, ये आर टू, ठीक है। ले लेते हैं इसको 3 ओम, इसको भी ले लेते 3 ओम, ओम डाल देता हूँ, 3 ओम, 3 ओम, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाले, इसका फॉर्मूला क्या है सर बताइए, ठीक है। देखिए 1/RT टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और भी रेजिस्टेंस लगे रहेंगे तो 1/R3, 1/R4, 1/RN तक चाहिए, ठीक है। यहाँ दो ही रेजिस्टेंस लिया मैंने, तो 1/RT, अब तक कैसे मिटा देते हैं, मैं जैसे लिख देता हूँ, मुझे मतलब लिखने के लिए चेक कम पड़ रहा है, ये 3 ओम, ठीक है। RT 1/RT, R1 कितना है 3 सर, प्लस दूसरा R2 को भी सर 3 है, 1/RT इक्वल टू सर प्लस मल्टीप्लाई कर दो 3 + 3 × 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/RT इक्वल टू 3 + 3 = 6, 3 × 3 = 9, सर उल्टा कर दो, इन्वर्ट एंड लो 1/RT। अब देखिए यहाँ देखने की कोशिश करो, उसी चीज़ को लिख रहा हूँ, फिर से लिख लेता हूँ 1/RT इक्वल टू 6/9, ठीक। अब RT को ऊपर ले लेता हूँ, 9 को ऊपर ले लेता हूँ, बोला इन्वर्ट एंड लो एक प्रॉपर्टी है, तो क्या हो जाएगा RT इक्वल टू 9/6, 3 × 3 = 3, 2 × 2, आप देखोगे RT आएगा कितना आ जाएगा 3/2, 1.5, ठीक। देखा किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो। आप देखोगे यहाँ 3 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे, तो ये रेजिस्टेंस देखो 1.5 ओम आया, डिक्रीज हुआ रेजिस्टेंस। पैरेलल में जब कनेक्शन कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, लेकिन वही अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अभी आपने सीरीज में देखा था कि करंट सेम था और वोल्टेज डिफरेंट था हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या था, सेम फ्लो हो रहा था। अब पैरेलल में देखिए, पैरेलल में करंट तो डिफरेंट है, अब वोल्टेज क्या होगा सर, सर वोल्टेज यहाँ सेम होगा, क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ एक बैटरी लगाइए, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो सर बैटरी में, दोनों सेम है, 10 वोल्ट का लगा दो,
सर का फेवरेट है 10 वोल्ट, ठीक है 10 वोल्ट लगा लिया हमने। अब ये 10 वोल्ट ही देखिए, यहाँ 10 वोल्ट है तो यही 10 वोल्ट यहाँ भी है, कितना 10 वोल्ट का सर, यही 10 वोल्ट यहाँ भी है, पैरेलल में वोल्टेज है सेम बैटरी, ये तार है वायर है ये यही कनेक्टेड है यहाँ, तो इसके अक्रॉस कितना है 10 वोल्ट, सेम 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है, ठीक है सर। ठीक है सर, ये करंट कैसे पता चले करें, अभी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, कितना रेजिस्टेंस आया था इक्विवेलेंट 1.5 ओम, तीन था आपका इसका, ठीक है तो करंट भी हम लोग निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, अब दोनों रेजिस्टेंस को उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल है कर दो सर। ये रहा मेरा 10 वोल्ट का बैटरी, ठीक, और मैं क्या करूँगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहा हूँ, ये कितना 1.5, या तो लिखो 3/2 ओम, 1.5 इज इक्वल टू 3.2 बराबर, सिर्फ 3.2 नहीं 3/2। अब यहाँ से क्या करंट फ्लो करा दो सर, अब तो हम लोग ओम्स लॉ निकाल के ओम्स लॉ यूज़ करके निकाल देंगे करंट, क्या करेंगे ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, सिंपल है सर, हमने ओम्स लॉ आपके लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया और बहुत अच्छे से सीखा है, यूज़ कर लेंगे V=I×R, ठीक V=I×R, V कितना है सर 10 है, I कितना है मालूम नहीं वही तो निकालना है सर, R कितना है सर 3/2 या 1.5 बराबर। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे घुमा के, ठीक है अब बोलोगे सर डिवाइड तो मल्टीप्लाई उल्टा कर दो 2×10 ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो क्या हो गया ये I बराबर, अब 2×10=20, 20/3 क्या हो जाएगा 20/3 कितना होता है सर डिवाइड कर लो, ये है मेरा करंट कितना, ये मेरा करंट 20/3 बराबर, ये करंट है मेरा कितना 20/3, ठीक आई करंट है मेरा 20/3। सर ये I1 करंट कितना होगा इसके अक्रॉस, देखो ओम्स लॉ यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ ओम्स लॉ, इसके अक्रॉस वोल्टेज के इसको काट लेता हूँ निकाल लेता हूँ सर, 10 वोल्ट की बैटरी लगी यहाँ, रेजिस्टेंस है 3 ओम का सर, यहाँ ग्राउंड वोल्टेज ठीक है 0, तो ये क्या है यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, 10 वोल्ट है तो 10/3 इसके अंदर से क्या हो रहा है आई वी, ये मेरा वी है आई चाहिए तो V=, फिर से ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ कितना इम्पोर्टेंट है, वी कितना है 10, आई मालूम नहीं, आर कितना था 3, ठीक हो सर अब कैसे क्या करेंगे यहाँ I=10/3 जो मैंने यहाँ निकाला वही मैं करके दिखाया आपको, ठीक है अब दूसरा करंट, ये करंट ये मेरा I1 करंट है, अब दूसरा करंट कितना होगा थोड़ा रफ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, लिखने के लिए जगह ही नहीं बचा है ना, कहाँ करंट था कौन सा बैठाऊँ ये ना है ना, तो I1 कितना आ गया 10/3 बराबर, I1 आ गया आपका 10/3। अब I2 कितना है सिंपल है, I2 कितना है अब देखो ये कितना है 10 वोल्ट है V=I×R बराबर, R2 है ठीक, ये कितना है 10 I, R2 कितना है 3 सर, ये भी 10/3 आएगा बराबर, ये 3 कर दिया, तो देखो टोटल करंट कितना आ रहा था मेरे पास 20/3 और I2 कितना है 10/3, I1 कितना है 10/3, टोटल करंट कितना है 20/3, I जो मेन करंट था वो इज इक्वल टू ये दोनों छोटा दोनों करंट इसी में से तो निकला है ना, ये I जा रहा था यही करंट डिवाइड में I1+I2 कितना होगा 10/3+10/3 कितना होता है 20/3 होता है, कर लो एडिशन I=10+10 20/3 I आ जाएगा,
तो आपको समझा होगा कि अभी पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेजेस सेम होते हैं और करंट डिफरेंट होता है। आपने यहाँ देखा कि करंट डिफरेंट था। अगर बोले सर वोल्टेजेस सेम होता है निकाल के बताओ, ठीक है इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है, कहाँ बताओ जगह ही नहीं बचा। ठीक है कोशिश करते हैं, यहाँ ध्यान से देखना। अब इसका अक्रॉस करंट ये I1 कितना है सर, I1 कहाँ है सर, I1 यहाँ है, यहाँ I1 अलग कलर यूज कर ले तो I1 यहाँ है, क्या ये I1 है बराबर, ये क्या है I1। अब I1 जो I1 ठीक है, करंट कितना है 10/3 और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है V=I R, दिख रहा होगा सर करंट कितना है 10/3, R कितना है सर 3, 3 से 3 मर गया, वोल्टेज कितना आया 10 वोल्ट, वही मैंने लिखा था 10 वोल्ट कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं। ठीक है इसका भी कैलकुलेट करोगे आपको 10 वोल्ट आएगा। I1 ठीक है यही था मेरा मेन करंट, यही था ठीक है। अभी आपने देखा सीरीज में क्या देखा आपने, सीरीज में देखा कि रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जाता है वो सेम होता है, पैरेलल में डिफरेंट होता है। सीरीज में वोल्टेजेस डिफरेंट होते हैं और पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस और वहाँ डिफरेंट होते हैं। तो आपको रेजिस्टेंस समझ में आया होगा और आपने देखा कि ओम्स लॉ किस तरह इस्तेमाल करके वोल्टेजेस करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करके सारी चीज़ें निकाला जा सकती है।